हेलो हेलो गाइस, गेमिंग विद बालाजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारा सेकंड वीडियो है पबजी में, पबजी के ऊपर बना रहा है। ठीक है, आपसे पबजी वाले भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, क्योंकि पबजी का वीडियोस भी आपसे लाता रहता हूँ। ठीक है, पबजी और फ्री फायर की दोनों का वीडियोज़ लाता रहता हूँ आपके सामने, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो सबके सामने लाता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने जो थंबनेल में बताया था और वो टाइटल में भी बताया था उसका है, वो जो भी बंदा फ्री फायर खेलता है, जैसे मैं फ्री फायर का प्लेयर हूँ पहले। ठीक है, फ्री फायर का प्लेयर्स को पबजी में आने पर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कंट्रोल्स इसका अलग होती है उससे। लेकिन हम भाई वो कंट्रोल्स को हम फ्री फायर जैसा कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो का थीम है ये। ठीक है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक कंट्रोल्स को फ्री फायर जैसा कैसे बनाएं। ठीक है, देखो मेरा कंट्रोल्स मैं बना कर चुका हूँ। देखो यहाँ पर ये है, यहाँ सब कुछ देखो भाई, सब कुछ फ्री फायर के अनुसार, फ्री फायर कैसा होती है वैसे ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेव कर लिया और एग्जिट कर लिया, कुछ तो चेंजेस नहीं है। ठीक है, हाँ आप देखो भाई, पहले से मैं करके दिखाऊंगा। देखो पहले आपको करना क्या है, हमारा एक साइड से आएंगे भाई, हम तो एक साइड से आएंगे, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड तक चलेंगे और स्क्रीन को साफ साफ करते जाएंगे फ्री फायर जैसा। ठीक है, पहले यहाँ पर लेफ्ट में ये जो ऑप्शन है ना, ये हिल रहा है ना, इस प्लेस में हमारा फ्री फायर में तो मैप दिखेगी। ठीक है, पहले उसको लेके आके, यहाँ पर मैप है उसको लेके आके यहाँ पर रख दो, क्योंकि थोड़ा नीचे रख दो भाई, थोड़ा नीचे करके रखो, क्योंकि वो अलाइव और किल्स का दिखाती है ना, वो जो ऊपर आती है इसमें लेफ्ट साइड आती है, इसीलिए आपको लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे करके रखना है। ठीक है, और एक बात भाई दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, ये नाम्स है ना हमारा दोस्तों की, उसको साइज कम कर दे, कोई दिक्कत नहीं साइज कम करने में। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमको मिलता है ये वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला ऑप्शन का मतलब माइक और स्पीकर वहीं पर मिलती है हमको, इसीलिए वहाँ पर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर तो हो गई है। देखो हमारा नेक्स्ट है ये एरोज वाला आती है, और देखो हमारा गेम में तो हमको स्प्रिंट बटन इसके ऊपर ही मिलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं मिलती है, इसमें राइट साइड कॉर्नर में होती है, राइट साइड टॉप कॉर्नर में होती है, जो मैप था उसके बाजू में थी है। इसको लेके आके यहाँ पर डाल दो और साइज बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पर डाल दो और साइज बढ़ा दो। ठीक है, इसको और इन दोनों को साइज कम कर दो भाई, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको इन दोनों को साइज कम कर दो और यहाँ पर डाल दो। ठीक है, उसके बाद हमारी भाई मेरा कैसा था, मेरा HUD कैसा था, मेरा कस्टमाइज्ड कंट्रोल्स कैसा था, उसकी अनुसार कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहे तो दूसरी भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी बटन यहाँ पर डाल दो। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो सब कुछ ठीक हो गया, जैसे फ्री फायर होती है वैसे ही हो गई है, और रिवाइव का बटन यहाँ पर आती है, हमारे को रिवाइव तो कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो पीक के ऑप्शन, पीक मतलब चुप चुप कर देख के मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में डाल दो और राइट साइड वाला राइट साइड में डाल दो। ठीक है, उसके बाद भाई उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में हमको गन चेंजिंग और गन रिलोडिंग की ऑप्शन मिल जाती है। हमको गन चेंजिंग करने के लिए यहाँ पर डाल दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत होती है खेलने में, लेकिन डाल के देखो एक बार, एक दो दिन डाल के देखो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं डाला था, इसको यहीं पर डाल के और यहाँ पर जाके रिलोडिंग का ऑप्शन डाल दिया था। ठीक है, रिलोडिंग का ऑप्शन ले जाके यहाँ पर डाल दिया था बड़ा करके, कुछ ऐसा करने में अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर गन तो होती है, गन चेंजिंग इतना आसान से नहीं होगा, कोई भी गन से मार सकते हैं बंदों को पबजी में। जैसे हमारा फ्री फायर में पास में होता है वो बंदा को शॉटगन ही यूज़ करना है, वरना MP40 यूज़ करना है, लॉन्ग गन में होता है तो उसको लॉन्ग रेंज गन यूज़ करना है, लेकिन इसमें तो AK से भी काम चल जाती है, स्कार से भी काम चल जाती है, M4A1 से भी काम चल जाती है, इसलिए मैंने गन चेंजिंग को इग्नोर कर दिया और रिलोडिंग को ऊपर कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा मेन कंट्रोल्स आती है ये शॉर्ट रेंज में तो बहुत काम आती है, क्योंकि इसको पकड़ने में बहुत फायर हो जाएगी फास्ट में, इसको थोड़ा स्कोप करते हैं ना तभी यूज़ करते हैं, इसीलिए मैं यही करता हूँ। इसीलिए भाई जो भी होता है ना एक्स्ट्रा वगैरह वो सब निकाल के हटा दो भाई, यहाँ पर आड़ा मत रहने दो। ठीक है, ऐसा कर दिया ना, यहाँ पर ऊपर कर दिया और यहाँ देखो इसको इतना ही रहने दो, और देखो हमारा फ्री फायर में तो स्लीपिंग के ऑप्शन इधर आ जाएगी और सिटिंग के ऑप्शन इधर आ जाएगी, यहाँ पर जंपिंग का ऑप्शन होती है, इसमें जंपिंग का ऑप्शन तो इतना काम नहीं आती है, हम जैसे जंप शॉट मारते हैं
प्रीफर में ऐसा इसमें नहीं मार सकते हैं, और इसमें तो हमको बैठ के सो के ऐसा मारना चाहिए क्योंकि इसमें डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है, इसमें सब कुछ फुल कंट्रोल है, इसीलिए आपको जो चाहे वो कर सकते हो यहाँ पे। ये जंपिंग के ऑप्शन में स्लीपिंग के ऑप्शन रख सकते हो, बैठने का ऑप्शन रख सकते हो, लेकिन मेरा फिंगर्स तो फ्री फायर खेल खेल के फ्री फायर में जो कंट्रोल्स होता है वहीं पर जा रही है, इसीलिए मैंने माइंड को कंट्रोल कर रहा हूँ। इसमें जंप नहीं करूँगा, इसमें बैठ के मारूंगा, ठीक है, इसमें जंप शॉट नहीं मारूंगा, जंपिंग शॉट मारूंगा, इसीलिए मैं बैठने के लिए भी इस पर जाना है ऐसा फिक्स कर दिया मेरा मन में, ठीक है, इसलिए मैंने जैसा फ्री फायर का था वैसे ही रख दिया, ठीक है। यहाँ पर तो सब कुछ ठीक हो गया भाई, ये मेडिकेट वाला है, ये बॉम्ब और स्टंट ग्रेनेड वाला है, ठीक है। अब तक देखो आसान हो गया आपको, फ्री फायर बंदा जो भी देख रहा है उसको बहुत आसान होगा। बैक के ऑप्शन यहीं पर रहने दो, और स्प्रिंटिंग ऑप्शन देखो, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, हाँ सब कुछ ठीक हो गया। अगर आपको चाहे तो भाई ऐसा भी कर सकते हो, एक गन को लेके जाके यहाँ पर रख सकते हो, जैसे फ्री फायर में ऊपर गन वाली है, ठीक है, यहाँ पर भी रख सकते हो या नीचे भी रख सकते हो। मैंने जैसे किया वही दिखाया, मैंने गन्स को नीचे ही छोड़ दिया था क्योंकि गन चेंजिंग में इतना टाइम लगती है इसमें, और भाई गन चेंजिंग का इतना वर्क भी नहीं करती है, जो भी गन चलेगा आसपास में भी एक के और स्कार चलेंगे, कोई बात नहीं, इसलिए इसमें शॉर्ट रेंज के गन को यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमारे गेम में शॉर्ट गन तो बहुत बहुत यूज़ होता है, लेकिन इसमें तो शॉर्ट गन को इग्नोर करते हैं बंदे, इसमें AWM बहुत चलेंगे, AWM तो बहुत चलेगा इसमें, और इसमें एक के स्कार भी है, M4A1 को M416 बुलाते हैं बंदे, पता नहीं, इतना मैंने कभी भी नहीं खेला पबजी को, जितना मेरा बेसिक नॉलेज है उसको लेकर मैं बोल रहा हूँ। आगे मैं बढ़ जाऊँगा भाई, थोड़ी ही दिन में सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा थर्ड वीडियो पबजी का बनेगी, उसमें मैं बताता हूँ उसका रिव्यू, ठीक है। इतना सब कुछ कर लिया मैंने, गेम में जाने के लिए बहुत रेडी तैयार कर लिया, उसके बाद हमको क्या बाकी है, गेम प्ले एक ही बाकी है, गेम प्ले भी दिखाता हूँ, जैसे वो रिव्यू भी कर देता हूँ वैसे ही, ठीक है, रिव्यू भी कर देता हूँ। 1GB रैम फ़ोन में कैसा चल रहा है, 3GB रैम फ़ोन में कैसा चल रहा है, 1GB रैम में तो ऐसे ही चलेगा आई होप सो, ठीक है, करेंगे वो भी वीडियो, एक ही दिन में आ जाएगा वो भी, कोई दिक्कत नहीं। और कोई जो भी बंदा पबजी खेलने वाला है, जो भी बंदा फ्री फायर खेलने वाला है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी बटन दबा के रखना, क्योंकि भाई आपको मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, और नोटिफिकेशन आते ही तुम देख लोगे, और मेरा वीडियो सब कुछ विद प्रूफ होता है, और मेरा सारे के सारे वीडियोज़ में अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेता हूँ, इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट है वो लेता हूँ, ठीक है। और देखो ये है ना, मतलब ये हमारा ए भाई हमारा ड्राइविंग का ऑप्शन तो हमारा इधर एक्सेलरेशन आती है, मतलब राइट साइड एक्सेलरेशन आती है और लेफ्ट साइड में डायरेक्शंस आती है, इसमें तो रिवर्स होती है, इसको आपको यहाँ पर स्वैप लेफ्ट टू राइट कंट्रोल्स है ना, यहाँ पर डाल सकते हो। और सेंसिटिविटी की बात करते हैं, सेंसिटिविटी तो हमारा फ्री फायर में बहुत लो होती है व्हेन कंपेयर टू पबजी, पबजी में तो बहुत हाई सेंसिटिविटी होती है, यहाँ पर तो हाई में सेंसिटिविटी मिलती है आपको, जब आप ओपन करते ही आपको हाई सेंसिटिविटी में मिल जाती है, उसको लो सेंसिटिविटी में कर दो, ठीक है। इसमें पिकअप में भाई थोड़े दिन तक आपको पिकअपिंग ऑटोमेटिक की रहने दो, क्योंकि आपको पता नहीं है जो गन को ये बुलेट है, ये गन को वो बुलेट है, हमारा फ्री फायर में तो असल्ट राइफल्स के लिए ARMO और सबमशीन गन्स के लिए SMG AMMO, शॉटगन के लिए SG AMMO, ऐसा कुछ होती है, हमको आसान है अम्मो को फाइंड करना, इसमें तो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि इसमें MM से भी रिप्रेजेंट करते हैं अम्मो को, इसीलिए ऑडियो को भाई म्यूजिक को नीचे कर दो जैसे फ्री फायर में सब बंदे करके रहते हैं, और क्विक चार्ट ये सब कोई बात नहीं, इसमें तो इंग्लिश लगा दो, और बेसिक में कोई चेंज करने का कोई नहीं है, और इसमें तो कोई नहीं है चेंज करने के लिए, और कंट्रोल्स तो मैंने बता दिया, ऐसा आपको कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट करके भी आप चेंज कर सकते हो, वरना दूसरी फ़ोन में भी कर सकते हो। आज तक इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, वो भी कल ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना।